अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज हम विलियम ब्लेक का एक और मास्टरपीस आवर डिवाइन इमेज को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आवर डिवाइन इमेज, दोस्तों इसको लिखी थी, रिटन बाय विलियम ब्लेक है। इसकी जेनरिक की बात करें दोस्तों, ये एक लिरिक पोइट्री है, और इसकी थीम की बात करें दोस्तों, फेलियर, आइडेंटिटी, जर्नी, नेचर, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलिटी और वेलनेस को इसकी थीम डिक्लेयर करते हैं। देन दोस्तों, ये पब्लिश हुई थी 1794 सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर। इसकी एज की बात करें दोस्तों, ये रोमांटिकिज्म से बिलोंग करती थी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताना चलूंगी, ये 8 लाइन की पोयम है जिसको डिवाइड किया गया 2 क्वाटरेंस के अंदर, मतलब चार चार लाइन के 2 स्टैंजा इस पोयम के अंदर फॉल करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, स्टैंजा नंबर 1 की बात करें तो स्टैंजा नंबर 1 में विलियम ब्लेक कहते हैं कि क्रूटली हैज अ ह्यूमन हार्ट एंड जुलूसी अ ह्यूमन फेस, टेरर द ह्यूमन फ्रॉम डिवाइन एंड स्केरे द ह्यूमन ड्रेस। दोस्तों, इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि इंसान के बदअमालियों और इसके खदो ख्याल का मुख्तलिफ गैर मादी सफात से मुजावना मवाजना करते हुए शायर पहली लाइन में जुल्म को इंसानी रूप देकर कहता है कि जुल्म में नरमी नहीं होती क्योंकि इंसान की तरह इसका दिल भी सख्त होता है। दूसरी लाइन में वो बताता है कि हसद इंसानों की एक खास सलाहियत है और पहचान होती है क्योंकि इंसान जब दूसरों की कामयाबी देखता है तो हसद इसके चेहरे पर साफ झलक रही होती है। साथ ही साथ दोस्तों, तीसरी लाइन में वो बताता है कि मौका मिलने पर इंसान खुद को ताकतवर खुदा समझते हुए दूसरों पर अपनी दहशत बिठाकर लुफ्त हासिल करता है। और इस स्टैंजा की चौथी लाइन के और आखिरी लाइन के अंदर शायर इशारा करते हुए ये बात कहता है कि इंसान मुनाफिक और झूठा और झूठ मूठ का दिखावा करने वाले होते हैं क्योंकि वो अपने चेहरों पर झूठा तासुरी कर लेते हैं और अपने काबिले एतराज राजों और मकसद के बारे में किसी को खबर भी नहीं होने देते। साथ ही साथ दोस्तों, स्टैंजा नंबर 2 की बात करें तो स्टैंजा नंबर 2 में सर विलियम ब्लेक कहते हैं कि द ह्यूमन ड्रेस इज फॉरगेट आयरन, द ह्यूमन फॉर्म इज फेररी फॉर्ज, द ह्यूमन फेस अ फुरेंस सील्ड, द ह्यूमन हार्ट इज हंग्री जॉर्ज। तो दोस्तों, इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि नज़म के दूसरे स्टेंजा में शायर मुख्तलिफ इंसानी सफात का मुवाजना मादी अशिया से करता है। वो कहता है कि इंसान बहुत खुदगर्ज होते हैं और अपनी सलामती और तहफ्फुज के खातिर दूसरे पर कभी भरोसा नहीं करते। दोस्तों, इस स्टेंजा की दूसरी लाइन में शायर कहता है कि इंसान बहुत जल्द गुस्से में आ जाने वाली मखलूक है और छोटी छोटी बातों पर तेज में आ जाते हैं। इंसान के इस तरह के मिजाज को जहन में रखते हुए वो राय देता है कि यूं लगता है कि इंसानी जिस्म को तश्कील देने वाले मादे को पहले किसी भट्टी में इस तरह पिघलाया गया हो जैसे धातु को मखसूस शक्लों में डालने के लिए पिघलाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, तीसरी लाइन में शायर इशारा करते हुए कहता है कि इंसान हमेशा तेज में दिखाई देता है और दूसरे के साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, और इनके चेहरों को देख के यूं लगता है जैसे बहुत ज्यादा दर्जा हरारत वाली भट्टी का मुंह बंद करके रखा गया हो। साथ ही साथ दोस्तों, इस स्टैंजा के आखिरी लाइन के अंदर यानी कि चौथी लाइन के अंदर शायर बताता है कि इंसान फितरी तौर पर बहुत लालची और हरीस होते हैं, जो कुछ भी इन्हें हासिल हो जाए इनकी लगातार ये कोशिश रहती है कि इन्हें मजीद ज्यादा से ज्यादा मिलता जाए। तो दोस्तों, ये इस पोयम की आर डिवाइन इमेज की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं आपको ये पोयम भी समझ आई होगी। इस पोयम के अबाउट जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी हमने कवर कर ली होंगे और इस पोयम को आपने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा वर्क पसंद आया तो द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं ताकि मजीद आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।